मैंने ये आपको जो मिठाई बनाना सिखाई है, ये स्पेशली मैंने 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ये मिठाई बनाई है। आप लोगों को जिन्होंने मुझे 100 सब्सक्राइबर करे उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद करा, मेरी रेसिपीज़ को और मेरी वीडियो को। आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो और मेरे चैनल को पसंद करते रहें और ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें इसी तरीके से। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हर वीडियो का फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मेरे को अच्छा लगे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महविश की कुकिंग बेकिंग में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई, जिसका नाम है मिल्क पाउडर पेड़ा, जो बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आपको बनाना बताऊँगी और बहुत ही ईजी वे में। चले मिल्क पाउडर पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर पेड़े में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। मिल्क पाउडर मैंने लिया है 3/4 कप, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, शुगर हम इसलिए कम ऐड करेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है। 1 टेबलस्पून घी, 1/3 कप मिल्क लिया है इसमें मैंने, और ये मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया है, और 6 से 7 अदद लिए हैं मैंने पिस्ता, और इसे स्लाइस में कट कर लिया है, आप आलमंड भी ले सकते हैं, और ये हम लास्ट में पेड़े के ऊपर गार्निश करेंगे। और 2 पिंच लिए मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर, इससे पेड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चले मिल्क पाउडर पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर पेड़ा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लें, उसमें मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रहे हैं। जैसे ही घी इसमें गर्म हो जाएगा, अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं घी गर्म हो गया है, और अब हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, और अच्छे से इसको हम घी और मिल्क को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिर्फ फ्यू सेकंड्स तक हम इसे कुक करेंगे, ताकि ये घी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं। और लो, बिल्कुल लो हीट पे हम इसे कुक करेंगे, और इसको इसके इस तरीके से आप चलाते रहें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, घी और मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, और मुसलसल इसको हम चलाते रहेंगे, ताकि ये मिल्क पाउडर में गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिल्क के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर अच्छे से मिल्क में बिल्कुल मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रहे हैं। पाउडर शुगर इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और चमचा बिल्कुल चलाते रहिएगा, ताकि ये जो मिल्क पाउडर है ये नीचे से जले नहीं। ये देखें फ्रेंड्स, शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसी स्टेज पे इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम इसको इतना कुक करेंगे ये जो मिक्सचर है लिक्विड ही हो रहा है ये ठीक हो जाएगा, और एक पूरी डो सी बन जाएगी। अब हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे, और इसे हम कुक करेंगे, और लो हीट पे हम इसे कुक करेंगे। बस आपको ये मुसलसल चलाते रहना है, और ये बहुत ही जल्दी से ये बनने वाला पेड़ा है, और बहुत ईजीली ये बन जाता है कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ, और बहुत ही फ्लेवर में भी बहुत ही मज़े का होता है मिल्क पाउडर पेड़ा। ये देखें फ्रेंड्स, जो मिक्सचर था मिल्क पाउडर का, जो मिक्सचर था वो इस तरीके से ठीक हो चुका है, और आप देख सकते हैं। बस हम इसे 10 मिनट तक और कुक करेंगे, ताकि ये जैसे अभी चिपक रहा है ये चिपकेगा नहीं, और फ्राई पैन से भी छूट जाएगा और डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और अब हम बस इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे, और इसे मुसलसल हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये ठीक हो गया है मिक्सचर।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये फ्राई पैन से भी बिल्कुल हट गई है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और इसे स्पैचुला पे भी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और ये 15 से 20 मिनट पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक करा है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं और हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती ये डो रेडी हो चुकी है। ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं ये जो पेड़े की जो डो है ये इसे मैं प्लेट में रख रही हूँ और इसे हम बस थोड़ा ही ठंडा करेंगे और फिर हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, डो हमने बिल्कुल निकाल चुके हैं और इसको हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। नीम गरम डो होनी चाहिए पेड़े की। अब थोड़ा सा हाथ में हमने ग्रीस करा है, घी को या ऑयल से कर लें आप। और अब हम इसको थोड़ी सी डो लेंगे और इसका हम पेड़ा बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पेड़े की थोड़ी सी डो लेनी है और इसको हम राउंड राउंड सा घुमाएंगे, जैसे हम लड्डू का शेप देते हैं सेम ऐसे ही शेप हम इसको देते जाएंगे और स्मूथली ये लड्डू जैसा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको पेड़े का शेप देंगे, सेंटर से इसे प्रेस करेंगे और इसमें हम एक पिस्ता इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मिल्क पाउडर पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। और डो बिल्कुल भी ठंडी मत कीजिएगा वरना पेड़ा बिल्कुल भी नहीं बनेगा इजीली। डो को थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए और ऊपर से हम हाथ पे ग्रीस करेंगे घी को और फिर ऐसे ही हम इसे बिल्कुल हम पेड़े के शेप देते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, सेकंड पेड़ा भी हमारा रेडी हो रहा है मिल्क पाउडर का। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजीली आप लोग इसे घर पे बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन पे, और ये बहुत ही मज़ेदार सा ये पेड़ा बनता है। ये देख सकते हैं आप, सेकंड पेड़ा भी हमने बना लिया है। अब इस पर भी हम पिस्ता रख देंगे, अगर आप चाहें तो इस पर बादाम भी रख सकते हैं। ऐसे ही हम सारे पेड़े बिल्कुल रेडी करते जाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, लास्ट पेड़ा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी लुक आई है। आप देख सकते हैं हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखें फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त थी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही इजीली वे में मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार से ये पेड़े बनते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है जो आज मैंने आपको सिखाई है। अगर आप चाहें तो इसकी डबल क्वान्टिटी में भी आप बना सकते हैं और इस शेप का जो मैंने पेड़ा बनाया है स्मॉल साइज़ का आप बड़ा भी बना सकते हैं और ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार से ये पेड़ा बनता है और बहुत ही इंस्टेंट सी ये मिठाई है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल महविश की कुकिंग बेकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।